हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके लिए हमने कुर्ती को कट कर लिया है। ये फ्रंट और बैक के दो पार्ट्स हैं और इसमें हम सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच नेक विड्थ है और 3 इंच नेक डीप। इस तरह से हम नेक के लिए मार्क कर लेंगे और इसमें नेक का शेप देंगे। इस तरह से हम इसमें राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। दोनों मार्क को हम कट कर लेंगे। यहाँ हम फ्रंट नेक पर नेक डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लिट के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से स्लिट ड्रॉ कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम पेस्टिंग पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे। पेस्टिंग पेपर को हमने इस तरह नीचे सेट कर लिया है और इसमें हम नेक ड्रॉ करेंगे। यहाँ 6 इंच पर एक मार्क करें, इसे हम कट कर लेंगे। इसके चारों तरफ हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम नेक को कट कर लेंगे। नेक डिज़ाइन को हम एक कपड़े पर चिपका कर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक को रेडी कर लिया है और इसके सेंटर पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसे कुर्ती पर इस तरह अटैच कर लेंगे। स्लिट से नीचे हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे जहाँ तक हमारा नेक डिज़ाइन आएगा। इस तरह हम कुर्ती को नेक से अटैच कर लेंगे। नीचे तक हमें इस तरह स्ट्रेट सिलाई लेनी है। इस तरह हम नेक के चारों तरफ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुर्ती को नेक से जॉइन कर लिया है। अभी हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। नेक की कटिंग पर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है। यहाँ
यहाँ पर हमने 6 इंच पर जो मार्क किया था वहाँ तक इसे कट कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमने ये पाइपिंग बना कर लिया है। कुर्ती की सीधी तरफ इस पाइपिंग को रखकर हम सिलाई करेंगे। एक तरफ इस तरह हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। यहां तक पाइपिंग को अटैच करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह हम नेक के दोनों तरफ पाइपिंग को लगा लेंगे। इसके बाद हम नेक के कॉर्नर्स में इस तरह छोटे कट्स देंगे। इस तरह छोटे कट्स देने से ये दूसरी तरफ आसानी से पलट जाएगा। यहाँ पर भी हम छोटे कट्स दे देंगे। इसके बाद हम पाइपिंग को इस तरह पलटकर सिलाई करेंगे। पाइपिंग की सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है। इस तरह कॉर्नर्स पर सिलाई करके हम पाइपिंग की फिनिशिंग कर लेंगे। पाइपिंग लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट स्लिट के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर, जहाँ तक हमारा नेक ओपन रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक कपड़ा जॉइन करेंगे। कपड़े को इस तरह नीचे रखकर आप कुर्ती को इस तरह पलटकर पीछे की तरफ सिलाई करें। ऐसे सिलाई करने से फ्रंट की तरफ आपकी सिलाई नहीं दिखेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इस कपड़े को अटैच कर लेंगे।
दूसरी तरफ भी आप इसी तरह सिलाई कर लें। इसी के साथ हमने अपने फ्रंट नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बैक नेक पर भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। बैक नेक पर पाइपिंग लगा लेने के बाद हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।